सिंह की बेटी ने जेसीपी से मुलाकात की, क्या कुछ उन्होंने कहा जरा सुनिए। जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि प्रियरंजन ने शपथ पत्र दिया है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो पुलिस के साथ मीटिंग में था, वो मीटिंग कर रहा था। आज से पापा को हमारे 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और नया मोड़ देखो सामने आ गया कि पुलिस के साथ वो बैठक कर रहा था। अगर पुलिस के साथ वो बैठक कर रहा था तो वो पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही थी उसे, यानी कि पुलिस मिली हुई थी। पुलिस हमें पहले दिन से ही आश्वासन दे रही है कि हम प्रियरंजन को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसे। लेकिन अब एक नया मोड़ आया, 3 महीने हो गए हैं और अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। और नए मोड़ में ये आया है कि वो पुलिस के साथ मीटिंग में था, अगर वो मीटिंग में था तो पुलिस क्यों नहीं उसे पकड़ना चाहती। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, बड़ी अपडेट, आशु जो है आरोपी आशु वो हाईकोर्ट में देखा गया, वहीं 5 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, क्या कुछ बड़ी जानकारी है आपके पास में? देखिए बिल्कुल बता दूं आपको कि किसान बाबू सिंह आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए का इनामी आशु दिवाकर आज अपना ही जो रोक, जो गिरफ्तारी और जो कानूनी प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा कर जो आदेश लाया था हाई कोर्ट से, वो खुद जो है कोर्ट में देने पहुंचा है शाम को, और देने के बाद वो वहां से निकला है। हालांकि 5 दिसंबर तक जो है किसी भी तरह की कार्रवाई पर पुलिस कोर्ट ने आदेश लगाया रोक का। तो वही नितिन, अगर बात करते हैं मृतका की बच्ची की, उसकी भी जो उसका जो बयान है वो भी सामने आया है। उसने एक अजीबो गरीब चीज का जिक्र किया कि जो आरोपी है वो पुलिस के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था, ये आरोप लगाया गया है, क्या है इसकी हकीकत? देखिए उसी के कुछ देर पहले, जैसे ही आशु दिवाकर जब कोर्ट पहुंचा है उसी के कुछ घंटे पहले मृतका की बेटी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अनिल प्रकाश तिवारी से मिलने गई। उसने आरोप लगाया है कि लगातार जो आरोपी है उनके पिता के हत्या के मामले में जो मुख्य आरोपी है वो लगातार पुलिस के संपर्क में था। हालांकि ये जरूर है कि सोशल मीडिया में जो आशु दिवाकर और एसीपी चकेरी अमरनाथ सिंह और इंस्पेक्टर चकेरी जो है जो जो सोशल जो इनके फोन के जो स्क्रीनशॉट है बात करने के वो भी वायरल हो रहा है। हालांकि ये जरूर है इसमें कि उसमें दिखाई भी दे रहा है कि आशु दिवाकर लगातार पुलिस के संपर्क में था, जबकि पुलिस ने 1 लाख रुपए की उसके ऊपर इनाम की घोषणा की थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है अब कि जब पुलिस की सर्विलांस टीम और आशु दिवाकर को गिरफ्तार करने के लिए करीब 1 दर्जन से अधिक पुलिस टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही थी, तब भी आशु दिवाकर एसीपी से बात करता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल नितिन, तो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और फिर से एक बार ये बड़ा आरोप लगता हुआ पुलिस विभाग पर। अगर बात करते हैं अधिकारियों की तो क्या कुछ कहना है उनका? देखिए अधिकारी जो है अगर बात करें तो पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर जब मीडिया से बात की तो उन्होंने हाईकोर्ट की जो जो आदेश आया था उस पर भी टिप्पणी करी। उन्होंने बताया है कि जो आदेश है उससे उन्होंने कहा है हाईकोर्ट ने कि 5 दिसंबर तक जो आशु दिवाकर है उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना की जाए ना उसकी गिरफ्तारी की जाए। हालांकि ये बात जरूर सामने आई है कि आशु दिवाकर के अब इस समय सोशल मीडिया में जो पुलिस के बात करते हुए जो स्क्रीनशॉट है, जो बात जो कॉल डिटेल है वो भी अब जो है वो लगातार वायरल हो रही है। एक सबसे बड़ी चीज ये और भी है कि आशु दिवाकर ने कुछ देर पहले मीडिया से अपने घर में भी बातचीत की है और अपनी सफाई भी पेश की है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए नितिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आशु ने सीएमएस कोर्ट पहुंचकर जो है वो वहां पर देखा गया, हाई कोर्ट ने फिलहाल उसकी गिरफ्तारी और 5 दिसंबर तक रोक लगा दी है। वहीं सीएमएस कोर्ट पहुंचकर हाई कोर्ट को आदेश की कॉपी सौंपी है, हाई कोर्ट ने आशु की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है।